वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडक्ट क्लासेस। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने सीखा था कि एक्टिव से पैसिव जो टेंसेस के बनाए जाते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं। आज हम वो चीज कंप्लीट करके हम बात करने वाले हैं पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स। जो पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं, इन जो सेंटेंसेस में बात की जाएगी वो मॉडल वर्ब्स की जाएगी। अब मॉडल वर्ब्स मैंने यहां पर पूरा चार्ट लिख रखा है, ये सारी की सारी हैं तुम्हारी मॉडल वर्ब्स, ठीक है। हमने पहले टेंसेस की बात कर ली, एक्टिव से पैसिव की टेंसेस की बात हो गई, तो आज हम बात करेंगे पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, मॉडल वर्ब्स हमने सिखाई थी, कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, ये मॉडल वर्ब्स हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अब पैसिव एक्टिव से पैसिव यूज होगा तुम्हारा, उसमें तुम्हारी एक्टिव सेंटेंस जो होगा, एक्टिव की बात की जाएगी पैसिव में लाने के लिए, उसमें तुम्हारी मॉडल वर्ब्स कोई ना कोई सी एक इनमें से दी होगी, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, चेंज करना है पैसिव में। ये तो होगी हमारी बात मॉडल वर्ब्स की जो हमारी एक्टिव सेंटेंस में दे रखी होंगी, ठीक है। इसके बाद जब हम पैसिव बनाएंगे, इसका बनाएंगे तो इसमें कैन के साथ में हम बी का प्रयोग करेंगे। ये मैंने चार्ट बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें कैन के साथ में बी का प्रयोग करना है, कुड के साथ में बी का प्रयोग करना है, कुड हैव जो है सकता था, तो यहां पर तुम बी का प्रयोग करोगे। अब इसके बाद में जो एक्टिव पैसिव एक्टिव सेंटेंस होगा इसके साथ में, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक चीज ध्यान रखना है, अब ये चार्ट तुम याद कैसे रखोगे, सिंपल सा लॉजिक है, एक कैन, कुड, शुड, मस्ट और तुम्हारा मे एंड माइट, इन सब चीजों में एक चीज देखो, जिस मॉडल वर्ब्स में तुम्हारा हैव लगा हुआ है केवल उसी में तुम्हारा बीन यूज हो रहा है। देखो, कुड हैव बीन है यूज करा हुआ, शुड हैव बीन है, मस्ट हैव बीन, ठीक है, जहां हैव है वहां पे बीन होना है। इसके बाद तुम्हारा देखो यहां पे भी मे हैव या फिर माइट हैव, जहां हैव देखो मॉडल वर्ब्स के साथ में वहां तुम्हें बीन का यूज करना है पैसिव बनाते समय। जैसे तुम्हारे सामने एक्टिव सेंटेंस आएगा, एक्टिव के साथ में तुम्हारी ये मॉडल वर्ब्स यूज होती होंगी, उसके साथ में इस चार्ट की सहायता से तुम्हें पैसिव में ले जाने के लिए इनके आगे, इन मॉडल वर्ब्स के आगे तुम्हें जहां पर कैन होगा उसके आगे तुम बी यूज कर दोगे। अब जो हैव वाली बताई मैंने, हैव 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 हैव, इन सब में तुम्हारा बीन यूज होना है। सिंपल सी बात है, जहां हमारी मॉडल वर्ब्स के आगे हैव लग जाए उसमें हमें बीन लगाना है, ठीक है। और जहां सिंगल दे रखी हो, वन वर्ड मॉडल वर्ब, कैन, कुड, शुड, मस्ट, इन सब के आगे तुम्हें क्या लगाना है, बी यूज करना। अब हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला था, अब तक हम टेंसेस में सीखते आए थे कि हर तरीके का फॉर्मूला अलग बन रहा था, प्रेजेंट का आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अलग, प्रेजेंट परफेक्ट अलग फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहां पे फॉर्मूला एक ही रहना क्योंकि मॉडल वर्ब्स वाली तुम्हारे जो है पैसिव हैं, तो सिंपल सी बात है एक ही फॉर्मूला रहना। अच्छा, फॉर्मूला रहेगा उसी बेसिक पे जो पहले हमने बताया था। सबसे पहला तुम्हारा ऑब्जेक्ट यूज होना है, उसके बाद अब हमने बताया यहां पर कि इसमें एक्टिव में ये जो फॉर्मूला है वो मैंने पैसिव बनाते समय यूज करेंगे, पैसिव में, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब इसके बाद हमने पैसिव में पहले भी सीखा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, उसके बाद यहां पे मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब सारी जे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक यहां पे रखेगा, उसके साथ में बी या बीन हमें इस चार्ट की मदद से लगाना है। अगर शुड आ गया तो बी, और शुड हैव आ गया तो शुड हैव के साथ में बीन और यूज कर देंगे, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, बी या बीन हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे मॉडल वर्ब को देखकर, ठीक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में लगानी है, जे सब पहले हम सिखा चुके हैं तुम्हें। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं तो वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज कर लेते हैं। फिर बाई, मतलब के द्वारा के सेंस में हम
सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी सारी मॉडल वर्ब्स हैं इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं हम कैन की। ठीक, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। अब यहां पे मॉडल वर्ब क्या यूज हुई है तुम्हारी, कैन। कैन कहां है तुम्हारा, ये है कैन, ये है। इसके साथ में यूज क्या करना है, बी। अब सबसे पहला रूल तुम्हारा वही रहना है कि पैसिव में ले जाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस टेबल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको, तो किस तरह, दिस टेबल कैन को रखना यही है, मॉडल वर्ब लेनी है, लेकिन उसके साथ में हमें यूज क्या करना है वो देखेंगे हम, क्या करने हैं, बी को यूज करने हैं। ठीक, कैन बी। अब यहां तक हम पहुंच गए फॉर्मूला में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो यहां पे वर्ब यूज भई है इसमें उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड। ठीक है, दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड बाय मी। बस इतना काम करना है तुम्हें, सही है। अब इसके बाद हम कुड वाला, फॉर कुड, कुड के लिए एक एग्जाम्पल है, दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर। ठीक है, अब तुम जो नॉट देख कर डर तो जाना मत, क्योंकि नॉट तुम्हें पता है कैसे और कहां यूज होना है। सिंपल, तुम्हें सेंटेंस जैसे बनाते आए हो वैसे ही बनाना है। अब यहां पे मॉडल वर्ब क्या है तुम्हारी, कुड। क्या है, कुड। कुड के साथ में क्या यूज होना है, बी। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, द रिवर कुड नॉट। ये जो है मॉडल वर्ब और तुम्हारी पैसिव, मॉडल वर्ब को पैसिव बनाते समय जो चीज यूज करते हैं उन दोनों के बीच में आ जाता है, नकारात्मक वाक्य जो हो जाता है। नॉट बी क्रॉस की थर्ड फॉर्म, क्रॉसेस नहीं, क्रॉस्ड में तुम्हारा डबल एस ही रहेगा, क्रॉस्ड बाई देम। बस ये बन गया तुम्हारा कुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस, कुड हैव के सेंस में। अब मॉडल वर्ब तुम्हारी क्या है, कुड हैव। ठीक है, कुड हैव के सेंस में तुम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाओगे, बीन प्रयोग करोगे ना। जहां पर तुम देखो कि हैव लगा हुआ है मॉडल वर्ब के साथ, वहां तुम्हें बीन यूज करना है। आई कुड हैव सेंट यू। अब तुम पूछो तो सेंट क्यों लगाया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, सेंट थर्ड फॉर्म है सेंड की। तो हमने बताया कुड हैव, सकता था, पास्ट, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब इसका तुम पैसिव वॉइस बनाओ, कैसे बनाओगे, यू कुड हैव बीन सेंट बाई मी। ठीक है, अब देख लेते हैं शुड मतलब चाहिए के अर्थ में, इसमें देख लेते हैं, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे,
तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका? एक्सरसाइज, हां, एक्सरसाइज शुड, शुड के साथ में किसको प्रयोग करेंगे? बी, बी, क्योंकि यहां पे हैव नहीं है इसके बाद में, हैव होता तो बी लग जाता। शुड हैव, शुड बी, टेक की थर्ड फॉर्म, शुड बी टेकन, ठीक, टेकन। अब डेली हमने बताया अदर ऑर्डिनरी चीजें होंगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद यूज हो जाएंगी, ठीक। टेकन डेली बाय यू, यू सेकंड पर, थर्ड, थर्ड पर्सन, नो चेंज, यू का यू, ठीक। अब जे तो हो गई तुम्हारी, कैन, कुड, कुड हैव, शुड, चार मॉडल वर्ब्स हो गई, चार मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल हो गए। अब हम बकाया की जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर शुड हैव के लिए जो मॉडल वर्ब्स है उसके लिए एक एग्जांपल रखते हैं, आई शुड हैव सेंट यू। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? शुड हैव का मॉडल वर्ब्स का हमने यूज किया है, शुड हैव के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? बीन का, ठीक। पैसिव बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, यू, यू शुड हैव। अब इसके आगे हम बीन लगा देंगे, बीन, यू शुड हैव बीन, सेंट की फॉर्म थर्ड, सेंट ही होती है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सेंट यूज करी गई है, सेंट बाय मी, ये हो गया ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मस्ट के लिए, मस्ट इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, मस्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? बी, केवल और केवल बी, मस्ट के साथ में अगर हैव होता तब हम बीन का प्रयोग कर देते। तो हिज पेंसिल, हिज पेंसिल मस्ट नॉट बी स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन है, ये तो होती है स्टोलन बाई यू, ठीक है, सही। अब देखते हैं मे हैव या माइट हैव के साथ में, ठीक। मे हैव के साथ में अब यहां पे हैव लगा हुआ है, हैव के साथ में मॉडल वर्ब्स के साथ में हैव लगा हुआ है, उसमें हम क्या लगा देंगे अब आगे? बीन, बीन का प्रयोग कर लेंगे। तो यू, यू मे हैव बीन, यू मे हैव बीन सेंट बाय मी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हैव टू या हैज टू के सेंस में, हैव टू या हैज टू के सेंस में हम लगाएंगे बी, पैसिव वॉइस, ठीक है। योर पासपोर्ट, पासपोर्ट, ठीक है, योर पासपोर्ट हैव टू बी, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, फाउंड बाय यू। अब हैड टू के सेंस में देख लेते हैं, हैड टू में भी हम बी का यू, बी का यूज करेंगे इसका, जब पैसिव वॉइस चेंज बनाएंगे तो यू हैड टू बी बीटन, बीटन होती है बाय मी, ठीक है। जो बाकी के मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल बचे वो भी देख लेते हैं हम। वुड लाइक टू के सेंस में देखते हैं आप,
ये लिखा है आई वुड लाइक टू सेंड यू, इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो यू, यू वुड लाइक टू। अब यहां पे इसके सेंस में हमने पहले ही बता रखा है इस चार्ट के माध्यम से, हम बी का प्रयोग करेंगे, यू वुड लाइक टू बी सेंड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेंड बाय मी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज्ड टू या फिर वुड के लिए, तो इसका जो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे हम, यू यूज्ड टू बी गिवन बाय मी। तो इस तरीके से आपको जो मॉडल वर्ब्स के जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं वो सारे इस तरीके से आपको इस चार्ट के माध्यम से, सिंपल एक चार्ट बना हुआ है, इसमें जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो यहां पे रखी हुई हैं, उसके बाद किस मॉडल वर्ब्स के साथ किस चीज को हमें पैसिव बनाते समय प्रयोग करना है वो इस लाइन के थ्रू बताई गई हैं। और ये था आज का सारा मैटर जो कि हम पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स में सीख चुके हैं। इसके बाद अगले टर्न पे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे पैसिव ऑफ लेट, लेट से जो एक्टिव पैसिव स्टार्ट होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आज तक का मैटर यहीं रखते हैं, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसके माध्यम से सीख पाएँ।